हेलो एवरीवन, वेलकम इन जस्ट एजुकेशन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 8, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसका मतलब अवकलज के अनुप्रयोगों के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट चैप्टर चैप्टर नंबर 7 में हमने डिफरेंशिएशन अवकलन के बारे में पढ़ रखा है। तो आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि जो अवकलन हमने पढ़े हैं 7 चैप्टर में, वो हमारे यूज़ क्या क्या आते हैं, उनके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो आज हम अवकलन के एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट चैप्टर में हमने संयुक्त फलन, प्रतिलोम फलन, त्रिकोणमितीय फलन, अस्पष्ट फलनों के बारे में और चर घातांक के, लघुगण के फलनों आदि सबका अवकलन किया है। उसके बाद पैरामेट्रिक फंक्शन, इनका भी हमने डिफरेंशिएशन किया है। लेकिन इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि अवकलन जो हमने किए हैं लास्ट चैप्टर में 7th में, उनका प्रयोग जैसे राशियों के परिवर्तन की दर निकालने में, जैसे कि हम निकालते हैं ना वेग, फिजिक्स में वेग निकालते हैं, त्वरण निकालते हैं, कि बोलते हैं दूरी में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर को बोलते हैं वेग, वेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर को बोलते हैं त्वरण। तो ऐसे ही किसी राशि में दूसरी राशि के सापेक्ष परिवर्तन की दर निकालेंगे इस चैप्टर में हम। उसके अलावा किसी बिंदु पे या वक्र पे, वक्र मतलब कर्व होता है कोई भी, उस पे रेखा का समीकरण निकालना, ये सभी चीज़ें पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। तो देखिए, हम पहले ये जानते हैं कि ये चैप्टर हमारे आरबीएससी बोर्ड में कितने नंबर का आता है। आरबीएससी बोर्ड में इस चैप्टर में से दो क्वेश्चन आते हैं, इस चैप्टर में से दो क्वेश्चन आते हैं और दोनों ही क्वेश्चन तीन तीन नंबर के आते हैं। इसका मतलब ये चैप्टर हमारे 6 नंबर का रोल करता है, 6 नंबर का आता है हमारा चैप्टर और तीन तीन नंबर के इसमें से दो क्वेश्चन आते हैं। तो अब देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहले तो देखिए, इस चैप्टर में जो हमारे काम आने वाले फॉर्मूले हैं, वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आप उनको नोट कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट लेके आप इनको लिख लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इसके अलावा हमारे फिजिक्स में भी काम आते हैं और ये फॉर्मूले हमने 10th 11th क्लास में पढ़ भी रखे हैं। देखिए, क्षेत्रफल, आयतन, परिमाप, इनके सारे फॉर्मूले हैं, आप इनको देख लीजिए। देखिए, वर्ग, आयतन, आयत के बारे में तो पढ़ रखा है, गोले और ये अर्धगोले, इनके क्षेत्रफल हमको दे रखे हैं, आप इनको याद कर लीजिए। और एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे हमें वर्त और गोले दोनों दे रखे हैं, तो वर्त और गोले में डिफरेंस है। देखिए, वर्त क्या होता है, वर्त तो हमारे पास 2D एक आकर, देखिए ये फॉर्मूले देख लीजिए, इनको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप इनको नोट कर लीजिए। यहाँ तक बेलन के आ गए, इसके बाद देखिए 14, ये थोड़ी 13 से शंकु के आ गए। ये एक आपके इस एक्सरसाइज में फॉर्मूले काम आने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं, ये आप इनको याद कर लीजिए अच्छे से। देखिए, जो वर्त आया है लास्ट क्लास में, वर्त का मतलब तो ये होता है, देखिए ये वर्त है कोई, और गोला आता है, गोला अलग होता है। देखिए, गोला क्या होता है, गोला एक 3D शेप होती है, 3D होती है, जैसे हमारी बॉल आती है, फुटबॉल की जो बॉल आती है, क्रिकेट की बॉल आती है, इसके अलावा और भी कोई हम बॉल ग्रुप में ले सकते हैं, वो तो हमारा होती है गोला। और वर्ताकार का मतलब है, जैसे हमारी 3D डिस्क आती है, वो हम बोलेंगे वर्ताकार है वो। इसका मतलब 3D में क्या होता है, 3D में लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी होती है, लेकिन 2D में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई ही होती है। देखिए, ये हमें वर्त दे रखा है, कागज पे बनाया है, ये एक वर्त है, जबकि गोला होता है वो 3D होता है। देखिए, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होंगी, तो सेम वही अंतर है जो कि आयत और घनाभ में है, वर्ग और घन में है, वही वर्त और गोले में अंतर है। तो आप इनको सेम ना समझे। तो देखिए, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि किसी राशि में दूसरी राशि के सापेक्ष परिवर्तन की दर हम कैसे निकालते हैं। तो एग्जांपल 1 से देखते हैं हम। सबसे पहले हम राशि में परिवर्तन की दर ही पढ़ते हैं, ठीक है। एग्जांपल 1 देखिए, 1 चैप्टर में हमने तो क्या पढ़ रखा था, एक्स और वाई वेरिएबल्स लिए थे, उनके डिफरेंशिएशन किया था, वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में किया था, तो हमें DY/DX मिल रहा था। तो हम यहाँ पे भी अवकलन तो करने वाले हैं, लेकिन हमें वेरिएबल वो नहीं लेने हैं कि वाई एक्स, ऐसे वेरिएबल हमको नहीं यूज में लेने हैं। तो मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले राशियों में परिवर्तन की दर कैसे निकालते हैं। देखिए, थोड़े बहुत मैं आपको थोड़े से प्रतीकी बता देती हूँ। देखिए, अगर आपको पूछे क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ, एरिया, तो आप उसको ए से भी डिनोट कर सकते हैं और एस से भी कर सकते हैं, आपको ध्यान रखने की बात है। क्षेत्रफल मतलब एरिया या सरफेस बोल सकते हैं इसको। अगर आपके पास आयतन पूछता है, आयतन में समय के सापेक्ष निकालिए या दूरी के सापेक्ष, किसी के सापेक्ष पूछ सकता है, वो क्वेश्चन में लिख के देगा आपको, तो इसको आप वी से डिनोट करेंगे, वी का मतलब वॉल्यूम। और आपको दूरी के सापेक्ष बोलेगा तो आप इसको आर से डिनोट करेंगे, या x कुछ भी बोल सकते हैं आप ऐसे। अगर आपको समय के सापेक्ष बोलेगा तो आप t से डिनोट करेंगे। मान लीजिए आपको ऐसे बोला गया है कि आप दूरी में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर निकालिए, तो आपको ये समझ जाना चाहिए, आपको ये समझ जाना चाहिए कि दूरी में समय के सापेक्ष चाहिए, तो दूरी कहां पे आएगी, dr/dt।
परिवर्तन की दर का मतलब क्या हुआ? आपको अवकलन ही तो निकालना है, डी अपॉन डी टी किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। तो समय के सापेक्ष डी अपॉन डी टी आया। और किसका निकालना है? दूरी का। दूरी का आप समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर निकालेंगे तो डी आर अपॉन डी टी आ गया। ऐसे आपको ये साइन आपको खुद को ही बनाने आने चाहिए, आगे जो क्वेश्चन आएंगे तभी आपको पता भी चलेगा। क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली लिख के देगा कि आपको किसकी परिवर्तन की दर चाहिए और किसके सापेक्ष चाहिए। जैसे बोलेगा आपको कि आयतन की, आयतन को परिवर्तन की दर चाहिए आपको समय के सापेक्ष, तो आप लिखेंगे डी वी अपॉन डी टी। देखिए डी अपॉन डी टी का मतलब तो क्या होगा? समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर और किसकी? आयतन की। तो वी मैंने लगा दिया। अगर आपको बोले कि आयतन में क्षेत्रफल के सापेक्ष परिवर्तन की दर, तो देखिए डी अपॉन किसके सापेक्ष बोला? क्षेत्रफल के सापेक्ष। तो डी अपॉन डी ए या डी एस आप लिख लीजिए। और किसमें? आयतन में। तो डी वी अपॉन डी ए, ये डी एस भी लिख सकते हैं आप इसको, डी वी अपॉन डी एस भी आप लिख सकते हैं। तो अब ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें आपके। और देखिए, और अगर आपको पूछे, अगर आपको वी है, वी आयतन है, आपको आर का फंक्शन दे रखा है। आर का फंक्शन मतलब ये आर दूरी का त्रिज्या, कुछ भी मान सकते हैं आप, उसका फंक्शन दे रखा है आपको। और देखिए एस है, एस का मतलब क्षेत्रफल, सरफेस बोल सकते हैं आप इसको, ये भी आपको आर का फंक्शन दे रखा है। या आप इसको ऐसे लिख लीजिए, ऐसा ना लिख करके, फंक्शन ऑफ आर और फंक्शन ऑफ आर, सेम वही वाली बात हो गई जो हमने पैरामेट्रिक इक्वेशन में पढ़ी थी ना, जैसे एक्स था टी का फंक्शन, वाई भी टी का फंक्शन था। और आपको पूछता है कि आयतन में क्षेत्रफल के सापेक्ष परिवर्तन की दर निकालिए, तो आयतन में क्षेत्रफल के सापेक्ष का मतलब यही तो निकालनी है। तो इसमें आप क्या निकाल लेंगे? सबसे पहले जो वी है किसका फंक्शन है? डी आर का फंक्शन है। और आपका एस भी किसका फंक्शन है? डी आर का। तो सेम वही प्रोसेस करनी है, इनमें वेरिएबल थोड़े चेंज हो गए हैं, देख लीजिए आप। ऐसे आपको निकालनी होगी, डी वी आर का फंक्शन है तो आप ये निकाल लीजिए, एस बी आर का फंक्शन आप ये निकाल लीजिए, दोनों में आपको भाग दे दीजिए, आपका ये आ जाएगा। ऐसे आपको थोड़ा समझ के चलना है, इसमें बात वही आ रही है पहले वाले चैप्टर की, लेकिन थोड़ा सा समझने की बात है। देखिए मैं आपको पहला एग्जांपल कराती हूँ, आपका उसमें और भी क्लियर हो जाएगा। ये देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, देखिए इसमें आपको लिखा गया है क्वेश्चन में, यदि एक गोले के आयतन में परिवर्तन की दर, एक गोले के आयतन में परिवर्तन की दर इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष आपको ज्ञात करनी है। इसका मतलब क्या ज्ञात करना है आपको? डी वी आयतन में ही तो परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, किसके सापेक्ष? क्षेत्रफल के सापेक्ष। तो डी वी अपॉन डी एस आपको फाइंड आउट करना है। देखिए डी वी अपॉन डी एस, डी एस का मतलब, डी अपॉन डी एस का मतलब क्या हुआ? क्षेत्रफल के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर, यही तो हमें क्वेश्चन में पूछा है। सापेक्ष ज्ञात कीजिए जबकि गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। तो इसमें आपको दे क्या रखा है? आपको दे रखा है आर इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर दे रखा है। इसका मतलब जब आपके पास डी वी अपॉन डी एस की वैल्यू आ जाए, उसमें कहीं भी आपका आर आ रहा होगा, तो आर की वैल्यू आप 2 सेंटीमीटर रख दीजिए। तो सबसे पहले बात देखिए, आप इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? आपको गोला दे रखा है, देखिए गोला दे रखा है, तो गोले का आयतन कितना होता है? गोले का आयतन, तो देखिए लिखेंगे हम गोले का आयतन, गोले का आयतन, इसीलिए मैंने आपको वो फॉर्मूले लिखवाए थे ताकि आप अच्छे से याद कर सकें। इसको मैं वी से डिनोट कर देती हूँ, गोले का आयतन को। गोले का आयतन क्या होता है? ये गोले का आयतन 4/3 आता है आपका पाई आर क्यूब, ये आता है, ये तो अलग बात है, 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है वहां पे? गोले की त्रिज्या है, ठीक है। उसके बाद देखिए गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो ये भी आप लिख लीजिए, गोले का पृष्ठीय को मैं ऐसे शॉर्ट में ये लिख रही हूँ और क्षेत्रफल को मैं क्षेत्र लिखती हूँ, ठीक है। आप इसको ऐसे नोट कर रहे हैं, मान लीजिए सरफेस से, या ऐसे भी आप नोट कर सकते हैं इसको। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल आता है आपका 4πr², ये आता है। अब आप इनमें देखिए आयतन और ये आपका आ गया पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों ही किसके फंक्शन है आपके? ये देखिए दोनों में आर आ रहा है, आर वेरिएबल त्रिज्या है, तो दोनों किसके फंक्शन हुए? आर के फंक्शन हुए। और आपको निकालना क्या है? डीवी अपॉन डीएस निकालना है। तो सेम वही बात आ गई, कौन सी वाली बात आ गई? ये पैरामेट्रिक जो फंक्शन आपने पढ़े थे वही बात आ रही है सेम। देखिए वी और एस दोनों, वी और एस दोनों किसके फंक्शन है? आर के फंक्शन। और आपको वैल्यू निकालनी है डीवी अपॉन डीएस की। तो देखिए कैसे निकालेंगे आप इसमें डीवी अपॉन डीएस की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। इसका मतलब आपको वी का आर के रेस्पेक्ट में क्या करना है? अवकलन करना है। तो देखिए मैं यहीं पे आपको बता देती हूँ क्वेश्चन में ही, देखिए यहीं पे आगे आपको यहीं पे लिखना था, लेकिन मैंने आपको बताने के लिए लिखा नहीं था पहले। तो देखिए ये आर मैंने गलती से लिख दिया था, यहाँ पे नहीं लिखना। देखिए वी का आप आर के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी वी अपॉन डी आर, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको? 4/3 पाई, तो क्या है? कॉन्स्टेंट है, इसको तो मैं पहले ही बाहर ले लेती हूँ 4/3 पाई को, तो ठीक है। इसके बाद आर क्यूब का आपको अवकलन करना है, किसके रेस्पेक्ट में? आर के रेस्पेक्ट में। जबकि देखिए एक्स क्यूब का आप एक्स के सापेक्ष करते थे तो कितना आता था? 3x², इसी टाइप से इसका आएगा 3r², 3 से 3 कैंसिल आउट, तो इसका आंसर आया 4πr². और इसी टाइप से देखिए आपको ds अपॉन dr भी निकालना है। देखिए यहाँ पे 4π, तो क्या है?
एलसी वो सॉरी कॉन्स्टेंट है तो ये 4 पाई तो मैंने बाहर निकाल लिया। आर स्क्वायर का एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में कितना होता था, 2r, 2x होता था, यहाँ पे आएगा 2r, ये हो गए। तो इसका आंसर है 8 पाई आर, इसका है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हम लिखते हैं, देखिए दोनों वैल्यूज मैंने रख दी हैं इसमें। अब इनमें देखिए, ये एक आर से एक यहाँ पे आर से इस आर स्क्वायर कैंसिल, एक आर ऊपर बचा हुआ है अभी भी, 4 8 यहाँ पे नीचे 2 आएगा, पाई से पाई कैंसिल, तो बचा क्या इतना, आर का एक ऊपर आर बचा और नीचे 2 बचा, r/2 हमारा आंसर आया है। और मैंने आपको कहा था क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में त्रिज्या r=2 सेंटीमीटर भी दे रखा है, तो मैंने कहा था कि dv/ds में कहीं पे भी आपका आर आएगा तो आप आर की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो देखिए dv/ds किस पे वैल्यू निकाल रहे हैं, r=2 पे dv/ds की वैल्यू, जब हम आर की वैल्यू क्या रख देते हैं, 2 रख देते हैं, 2 सेंटीमीटर रख देते हैं। तो देखिए आर की वैल्यू मैंने 2 रख दी, इसका आंसर आया 1। तो dv/ds एट r=2 पे आंसर आया आपका 1, 1 आया। और इसके साथ आप मात्रक क्या लगाएंगे, देखिए आपको ऊपर क्या दे रखा है, ऊपर आपको दे रखा है v, वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम का मतलब हुआ आयतन, तो आयतन में हमेशा घन घन की तो यूनिट आती है, तो यहाँ पे देख सेंटीमीटर में दे रखा है आपको, तो सेंटीमीटर क्यूब आ गई घन की, तो आयतन में तो, और क्षेत्रफल में क्या आती है, स्क्वायर में आती है, तो सेंटीमीटर अपॉन में करेंगे आप सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये देखिए कितना आया 1 सेंटीमीटर। तो dv/ds एट r=2 सेंटीमीटर पे हमारा आंसर आया 1 सेंटीमीटर। ऐसे आपको आंसर निकालना है। इसके बाद देखिए सेकंड एग्जांपल, सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है। यदि सीढ़ी के पाद को आप 1.2 मीटर/सेकंड की दर से जमीन के सहारे दीवार से दूर खींचा जाता है, तब ज्ञात कीजिए कि सीढ़ी का ऊपरी सिरा किस दर से दीवार पर नीचे की ओर फिसल रहा है, जबकि सीढ़ी का पाद दीवार से 6 मीटर दूर है। देखिए इसको डायग्राम से समझते हैं हम। ये मान लीजिए आपकी दीवार है, ये आपकी दीवार है और ये आपके मान लीजिए सीढ़ी है। सीढ़ी क्वेश्चन में आपको सीढ़ी की लंबाई दे रखी है, सीढ़ी आपको दे रखी है 10 मीटर लंबी, 10 मीटर लंबी दे रखी है। मैं इसमें आपको कोऑर्डिनेट मान लेती हूँ ABC। तो AB क्या है आपकी, मैंने सीढ़ी मानी है, ये लिख भी दीजिए आप चाहें तो सीढ़ी, ये हमारी सीढ़ी है 10 मीटर लंबी आपको दे रखी है, ठीक है। उसके बाद देखिए, यदि सीढ़ी के पाद को 1.2 मीटर/सेकंड की दर से जमीन के सहारे दीवार से दूर खींचा जाता है, इसका मतलब ये है कि इस सीढ़ी को हम नीचे की ओर ऐसे और खींच रहे हैं, तब ये लंबाई हमारी और बढ़ जाएगी। तो इसको आप खींच रहे हैं कितनी दर से, 1.2 मीटर/सेकंड की दर से जमीन के सहारे दीवार से दूर खींचा जाता है। तब हमें ज्ञात करना है कि सीढ़ी ऊपर से नीचे या ऊपर से कितनी खिसकती है। देखिए आप मान लीजिए कि ये जो हमारी दूरी है ये एक्स है, एक्स है, तो ये हम मान लेते हैं y हमें दे रखा है ये, ठीक है। अब इसमें आपको देखा रखा है कि सीढ़ी के पाद को 1.2 मीटर/सेकंड की दर से जमीन के सहारे दीवार से दूर खींचा जाता है, तो मीटर पर सेकंड का मतलब क्या हुआ कि x में यही तो बात बोली है इसमें कि सीढ़ी को जमीन के सहारे दीवार से दूर खींचा जाता है, इसका मतलब दूर खींचेंगे तो ये दूरी बढ़ेगी तो की। तो देखिए dx/dt आपको दे रखा है 1.2 मीटर/सेकंड, देखिए यही तो बात बोल रहा है, सीढ़ी के पाद को, पाद का मतलब है ये इसका बेस है, जो सीढ़ी के पाद को 1.2 मीटर/सेकंड की दर से जमीन से दूर खींचा जाता है, इसका मतलब एक्स में परिवर्तन कर रहे हैं आप टाइम के सापेक्ष, तो ये हमें दिया हुआ है, ये तो हमें दिया हुआ है, इसका मतलब ये हो गया। उसके बाद हमें ज्ञात करना है कि सीढ़ी का ऊपरी सिरा किस दर से दीवार पर नीचे की ओर फिसल रहा है, आपको ज्ञात क्या करना है, ये दूरी हमने वाई मानी है, तो y में समय के सापेक्ष कितना परिवर्तन हो रहा है, dy/dt ये आपको ज्ञात करनी है। देखिए सीढ़ी का ऊपरी सिरा किस दर से दीवार पर नीचे की ओर फिसल रहा है, इसका मतलब dy/dt आपको ज्ञात करना है, जबकि सीढ़ी का पाद दीवार से 6 मीटर दूर हो, इसका मतलब जो सीढ़ी का जो है ये बेस है, ये दीवार है हमारी BC, ये दोनों कितनी दूरी पर है, 6 मीटर दूरी पर है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू भी आपको दे रखी है, 6 मीटर दूरी आपको दे रखी है, आपको ज्ञात करना है dy/dt का। आपको समझ में आ गया होगा कि आपको दे क्या रखा है और आपको ज्ञात क्या करना है, तो आपको dy/dt ज्ञात करना है इस क्वेश्चन। देखिए dy/dt ज्ञात करने के लिए मैं क्या लगाती हूँ, देखिए ये आपको एक समकोण त्रिभुज दे रखा है, जैसे कि हमने पहले त्रिकोण मितीय में पढ़ रखे हैं 10th क्लास में, तो आपको एक समकोण त्रिभुज दे रखा है, इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर इक्वल्स टू आता है लंबी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही तो होती है। तो देखिए इसमें कर्ण का स्क्वायर क्या दे रखा है, 10 का स्क्वायर करेंगे हम, और आधार का स्क्वायर x², लंब का स्क्वायर हुआ y² यही तो आया, सॉरी ये देखिए यही तो आया हमारा, तो इसका मतलब ये भी तो हुआ,
इसका मतलब यही तो हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 100। ये मैंने इसलिए लगाया फंक्शन क्योंकि हमें dy अपॉन dt ज्ञात करना है। तो अब हमारे जो समीकरण आया है इसका हम क्या कर देंगे, समय के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। देखिए क्योंकि हमें dy अपॉन dt निकालना है, समय के सापेक्ष अवकलन निकालना है आपका तो विद रिस्पेक्ट टू t। तो देखिए x का करेंगे तो आप स्क्वायर का कितना होगा, पहले 2x होगा, उसके बाद x का dx अपॉन dt, यही तो होता है। उसके बाद देखिए साइन इसमें बीच का आएगा प्लस का, और स्क्वायर का करेंगे तो आपके पास आएगा 2y, और आप y का करेंगे टाइम के सापेक्ष में देखिए तो dy अपॉन dt आएगा। और 100 का कितना आएगा, 100 तो कॉन्स्टेंट नंबर है तो 0 आएगा इसका। देखिए आपको 2 तो ऐसे कैसे आएगा, x की वैल्यू आपको दे रखी है 6 मीटर, 6 मीटर तो दूर है दीवार से, सीढ़ी है हमारी, और dx अपॉन dt आपको दे रखी है 1.2 मीटर पर सेकेंड, और 2y dy अपॉन dt आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, 2y उसकी सॉरी dy अपॉन dt की वैल्यू निकालनी, लेकिन आपके पास y की वैल्यू भी अभी तक नहीं आई है। लेकिन आपको जो समकोण त्रिभुज दे रखा है उसमें आपको आधार की वैल्यू और आपको जो कर्ण है आपका उसकी वैल्यू आपको दे रखी है। तो आप y निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें देखिए 100 माइनस x का मतलब क्या हुआ, x आपको 6 मीटर दे रखा है तो 100 माइनस 36 कीजिए, यह आया आपके पास वाई स्क्वायर की वैल्यू, सॉरी तो आपके पास आएगा ये 64। 64 किसका स्क्वायर है, तो y की वैल्यू आपके पास 8 आएगी, आप निकाल लीजिए रफ वर्क में, y की वैल्यू आपके पास आएगी 8। तो देखिए 2 × 6 × 1.2, ये तो इसकी वैल्यू है ही हमें दिया हुआ था, y की वैल्यू कितनी आई 8 आई, और आपको वैल्यू निकालनी है 2y dy by dt की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे आप, dy अपॉन dt और ये 16 आ गया इधर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 14.4 आएगा, और dy अपॉन dt इक्वल्स टू आपके पास आया माइनस का 0.9, और यूनिट क्या लगाएंगे y, y क्या है एक दूरी तो है, दूरी तो थी वाई कि इसकी लंबाई ऊंचाई कितनी थी, तो वाई दूरी तो है, दूरी का मात्रक क्या आता है मीटर, और टाइम का कितना आता है सेकंड, सेकंड मैंने लिख दिया। माइनस का 0.9 मीटर पर सेकंड, माइनस का मतलब क्या हो रहा है, माइनस का मतलब यह है कि यहाँ पे कमी हो रही है, कमी हो रही है, प्लस आता तो प्लस का मतलब होता है वृद्धि होती, इंक्रीज होता है उसका नंबर, या माइनस का मतलब आप ऐसे भी सकते हैं कि जो हमारी सीढ़ी है वो नीचे की ओर खिसक रही है, खिसक रही है 0.9 मीटर पर सेकंड की दर से नीचे की ओर खिसक रही है, बस यही इसका आंसर है, यही तो हमें पूछा था। तो हमने लिख देंगे जमीन की तरफ खिसक रही है हमारी सीढ़ी 0.9 मीटर पर सेकंड की दर से, और माइनस का मतलब क्या हुआ, जमीन की तरफ है। अगर प्लस आता तो इसका मतलब क्या होता, प्लस आता तो हम लिख देते ये कम हो रही है, कम का मतलब जमीन की तरफ नीचे की ओर हुई, और प्लस आता तो हम कह देते जमीन से दूर की ओर खिसक रही है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए थर्ड एग्जांपल, इसमें आपको दे रखा है घन का आयतन है वो 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो इन क्वेश्चन में एक खास बात हो रही है कि इनमें हमें आपको ये नहीं दे रखा है कि किसके सापेक्ष आपका ये जो आपका आयतन है वो बढ़ रहा है। तो जब आपको कुछ भी ना दे कि किसके सापेक्ष बढ़ रहा है, तो दर दे आप कौन ली, देखिए कि दर, देखिए आयतन की दर से बढ़ रहा है, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, मतलब दर आए, दर का मतलब ये है कि वो समय के सापेक्षी होती है। दर का मतलब क्या हुआ, समय के सापेक्षी होता है, जैसे वेग में परिवर्तन की दर बोलते हैं हम, या दूरी में परिवर्तन की दर, ऐसे ही दर का मतलब ये है कि जो भी दर आएगी ओनली दर, कुछ किसी के सापेक्ष ना दे, तो आप समझिएगा वहां पे आपको समय के सापेक्ष ही कह रहा है वो, और आप यहाँ से ना समझे। दूसरा आपका ये तरीका है, आपको जो दर दे रखी है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, पर का मतलब क्या हुआ, प्रति सेकंड का मतलब सेकंड किसका मात्रक आता है, टाइम का, समय का ही तो आता है, इसका मतलब समय के सापेक्ष ही आपकी दर बढ़ रही है, मतलब प्लस आएगी, आपको दे क्या रखा है क्वेश्चन में। देखिए इसे आपका ये क्लियर हो गया कि सर किसी कुछ भी ना दे क्वेश्चन में आपको दर लिखा हुआ ओनली, तो आप किसी को लेंगे, टाइम को ही लेंगे। तो देखिए dv अपॉन dt आपको दे रखा है क्योंकि आयतन में ही तो समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर दे रखी है आपको, दर का दर लिखा हुआ ओनली, तो आप टाइम के सापेक्ष करेंगे, ये आपको दे रखी है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, और देखिए लिख रखा है इसमें लास्ट में बढ़ रही है, बढ़ने का मतलब ये है कि ये हमारा प्लस का आएगा, बढ़ रही है, दे रखा है क्वेश्चन में आपको। यदि इसकी कोर की लंबाई, कोर की लंबाई है घन की एक भुजा की लंबाई कितनी है, आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तो मानिए मैं आप भुजा मानती हूँ उसकी, एक्स मानती हूँ मैं एक्स, ठीक है, एक्स इक्वल 10 सेंटीमीटर आपको दे दिया घन की भुजा, तो हमें ज्ञात करना है कि इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो पृष्ठ का क्षेत्रफल, देखिए क्षेत्रफल को मानती हूँ ds, और पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यहाँ पे भी किसी के सापेक्ष नहीं दिया हुआ कि क्षेत्रफल में आप परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए इसके सापेक्ष, तो किसी के सापेक्ष नहीं दिया हुआ है, तो आपका मतलब दर का मतलब, सिंपल दर का मतलब क्या हुआ, आपको t के रेस्पेक्ट में ही ज्ञात करनी है, ds / dt आपको ज्ञात करना है।
तो देखिए, ds अपॉन dt आप जब ज्ञात करेंगे, ds अपॉन dt जब आप ज्ञात करेंगे, इसका मतलब आपको d अपॉन dt और आपकी जो आकृति कौन सी दे रखी है, आपको घन दे रखा है, और घन का आप क्षेत्रफल जानते हैं कितना होता है, घन का क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। भुजा आपने क्या मानी है, x मानी है। तो देखिए, इसकी जगह मैं लिख देती हूँ s की जगह 6x2, यही तो होता है आपका क्षेत्रफल 6x2। तो देखिए, अब आपको इसके सापेक्ष अवकलन करना है। अवकलन में हमने आसानी से पढ़ रखे, 6 आपका कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ गया। एक्स स्क्वायर का आपको टी के रेस्पेक्ट में अवकलन करना है। तो देखिए, एक्स स्क्वायर का करेंगे पहले आप, तो 2x आया, एक्स के रेस्पेक्ट में कितना आया, dx अपॉन dt, तो ये हो गया आपका 12x dx अपॉन dt। तो ये आपका आंसर आया ds अपॉन dt का, लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि इसमें आपका देखिए dx अपॉन dt भी आ रहा है, जिसकी वैल्यू आपको पता नहीं है। तो dx अपॉन dt की वैल्यू निकालने के लिए देखिए, आपको ये प्रोसेस और करना पड़ेगा जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। देखिए, dx अपॉन dt की वैल्यू निकालने के लिए तो आपको ये चीज दे रखी है क्वेश्चन में कि आयतन की परिवर्तन की दर कितनी होती है, प्लस का 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड होती है। तो देखिए, आयतन कितना होता है, भुजा क्यूब होता है, तो मैंने dv की जगह लिख दिया x क्यूब, ये आपको 9 दे रखा है, और आप x क्यूब का t के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो आपके पास आएगा 3x2 dx अपॉन dt। आपको यहाँ से dx अपॉन dt की वैल्यू चाहिए, तो ये आपकी आएगी 1/3x2। तो इसमें आप dx अपॉन dt की जगह रख देंगे 1/3x2, तो आपका ds अपॉन dt आएगा 12x, ये तो एज इट इज, और dx अपॉन dt की वैल्यू देखिए 1/3x2। ये लास्ट इक्वेशन से देखिए, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 36/x, ये आएगा आपके पास, एक इसकी वैल्यू आई आपके पास ds अपॉन dt की। और आपको देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि कोर की लंबाई का मतलब भुजा की लंबाई आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तो आप ds अपॉन dt की वैल्यू निकाल रहे हैं किस पे, x इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर पे निकाल रहे हैं आप। तो x की जगह आप 10 रख दीजिए, तो 36/10 इक्वल्स टू आया 3.6 आया आपके पास, 3.6 आया, देखिए 3.6 आया आपके पास ये। और इसका मात्रक क्या आएगा, क्षेत्रफल का कितना होता है, सेंटीमीटर में आ रही है सारी यूनिट ये, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा और पर सेकंड, ये आपका आंसर आया। देखिए, फोर्थ एग्जांपल, आप में एक आपको एक गोल बुलबुले का पृष्ठ क्षेत्रफल इतनी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। बढ़ रहा का मतलब यहाँ पे प्लस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड का मतलब ये टाइम के रिस्पेक्ट में ही है, क्योंकि मैंने बताया था ओनली आपको दर दी हुई है, तो आपको टाइम के रिस्पेक्ट ही होती है। यदि बुलबुले की त्रिज्या आपको 6 सेंटीमीटर दे रखी है, तब हमें फाइंड आउट करना है कि आयतन किस तरह से बढ़ रहा है। देखिए, थर्ड एग्जांपल हमने सेम स्टेप से किया था, आप फोर्थ एग्जांपल भी कर लीजिए उसी टाइप से। आपको इसमें वैल्यू चाहिएगी dr अपॉन dt की, r आपका किस तरह से घट रहा है, r आपका किस तरह से बढ़ रहा है, या जो भी वैल्यू चाहिएगी आपको यही ज्ञात करनी होगी। तो आप dr अपॉन dt ज्ञात कर लेंगे जो आपको क्षेत्रफल दे रखा है, और इसमें आप रख देंगे आयतन में, ये आपका होमवर्क है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, लंबाई और चौड़ाई ये हमें दे रखी है कि इस दर से घट रही है, इस दर से बढ़ रही है। देखिए, 3 सेंटीमीटर पर मिनट दे रखी है, और ये चौड़ाई y है 2 सेंटीमीटर पर मिनट दे रखी है, पर मिनट का मतलब दर ही है, वो समय के सापेक्ष ही हमारी। और जब हम x इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर तथा y इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर है, तब आयत का परिमाप तथा क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए, सॉल्यूशन में आयत का परिमाप कितना आता है, परिमाप को मैं p से नोट कर रही हूँ, मान ली पेरिफेरी से 2x + y, x प्लस वाई का मतलब यही तो होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखिए, आपको आयत के परिमाप में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, परिमाप में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष परिवर्तन कर, ये नहीं लिखा है यहाँ पे। तो देखिए, हमें टाइम के रेस्पेक्ट ही करनी है, dp अपॉन dt आपको निकालना है। आप इसका t के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो 2dx अपॉन dt प्लस dy अपॉन dt आपको दे रखा है यहाँ पे। dx अपॉन dt का मतलब क्या हुआ, x आपको लंबाई दे रखी है क्वेश्चन में, देखिए, और y आपको चौड़ाई दे रखी है। देखिए, तो आपको x का दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है, मैंने बताया था ना, घटने का मतलब माइनस आता है वहाँ पे। तो dx अपॉन dt की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है माइनस का 3 सेंटीमीटर पर मिनट, और dy अपॉन dt देखिए चौड़ाई में 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है, तो आपको जाएगी प्लस का टू आएगा यहाँ पे dy अपॉन dt में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए माइनस का 3 और ये आएगा प्लस का 2, तो ये आ गया हमारे पास माइनस का 2 आएगा, ये माइनस का 2 सेंटीमीटर पर मिनट आएगा।
सेंटीमीटर इसलिए क्योंकि आयतन जो परिमाप होती है वो भी एक तरह की लंबाई होती है, तो लंबाई में समय के सापेक्ष परिवर्तन 2 सेंटीमीटर पर मिनट लिखेंगे यहाँ पर। ऐसे ही आप क्षेत्रफल में निकालेंगे तो क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो आप इसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं ऐसे। तो ds अपॉन dt आपको निकालना है, और इसका आप t के रिस्पेक्ट आकलन करेंगे तो u इंटू v से कीजिए। देखिए x का मैंने नहीं किया, पहले y का करती हूँ मैं, तो मैंने y का किया देखिए, अब इसके बाद y का नहीं करती हूँ मैं, x का करती हूँ। देखिए आपके पास x की वैल्यू भी दे रखी है, dy अपॉन dt की वैल्यू भी है आपके पास, y की वैल्यू भी है, और dx अपॉन dt की वैल्यू भी आपके पास है, सारी वैल्यू रखी है, ds अपॉन dt आ जाएगा। और इसका मात्रक क्या आएगा, क्षेत्रफल का मात्रक हमेशा आता है सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, यहाँ पे सेंटीमीटर में सारे यूनिट है, सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे अपन, और अपॉन मिनट आएगा, वो टाइम में हम टाइम किस में दे रखा है यहाँ पे सारे क्वेश्चन में, मिनट में दे रखा है, इसलिए हम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन मिनट कर देंगे, ds अपॉन dt जो भी हमारा सोल्यूशन आएगा। उसके बाद देखिए सिक्स एग्जाम्पल, सिक्स एग्जाम्पल देखिए, इसमें आपको एक शंक्वाकार आकृति दे रखी है, शंक्वाकार आकृति में से कीप के आधार से, कीप का आधार में से पानी भरा है उस शंक्वाकार आकृति में, और उसमें कीप का जो आधार है, मतलब आप मानिए ये जो हमारा शंकु है, ये शंकु मैं आपको ऐसे ही समझा देती हूँ, क्वेश्चन देखिए सिंपल क्वेश्चन है, ये शंकु है, ये मान लीजिए शंकु है, ठीक है, इसमें आपका ये पानी भरा हुआ है, तो कीप के आधार से जो पानी है वो बूंद बूंद के रूप में टपक टपक के नीचे बह रहा है, और इसका मतलब क्या हुआ, पानी नीचे बह रहा है इसका मतलब आयतन हमारा कम हो रहा है, और वो कम होने की दर इसमें दी है, एक छोटा सा छेद है यहाँ पे उससे कम हो रहा है, तो आपके आयतन में पानी के आयतन, पानी भरा था इसमें, तो पानी के आयतन के कम होने की दर हमको दी है dv अपॉन dt। देखिए इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आधार के शीर्ष पर सूक्ष्म छेद से 4 सेंटीमीटर क्यूब बटा सेकंड की एक समान दर से पानी की बूंद बूंद टपक रहा है, तो आयतन में कमी कितनी आई, 4 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकेंड दे रखा है ये। और देखिए आयतन में कमी आ रही है, अगर पानी कम होगा तो आयतन में कमी तो आ रही है, तो कमी का मतलब माइनस का आ गया हमारा निशान, ठीक है। उसके बाद देखिए पानी के शंकु के तिर्यक ऊंचाई के घटने की दर ज्ञात कीजिए, तिर्यक ऊंचाई के घटने की दर मतलब ये हुआ कि जो देखिए पानी मान लीजिए यहाँ तक भरा हुआ था, तो ठीक है ये बूंद बूंद कर घट रहा है, तो आपको ये जो लंबाई है, ये तिर्यक लंबाई बोलते हैं इसको, एल से नोट करते हैं आप एल से, तो dl दर ज्ञात करनी है, तिर्यक लंबाई के घटने की दर ज्ञात करनी है, मतलब dl अपॉन dt आपको फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, और आपको दे रखा है जबकि पानी की तिर्यक ऊंचाई आपको 4 सेंटीमीटर दे रखी है, तो देखिए आपको एल इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर भी दे रखा है, और कीप का ऊर्ध्वाधर अर्ध शीर्ष कोण 60 डिग्री है, कीप का अर्ध ऊर्ध्वाधर का मतलब ये होता है, कीप में जो ये कोने में आता है ना, ये अर्ध ऊर्ध्वाधर का मतलब ये हुआ कि आधा, आप इसको 2 भागों में डिवाइड कर लीजिए, और ये आधा जो कोण है वो 60 डिग्री हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो अब देखिए आपको dl अपॉन dt फाइंड करना है, तो देखिए मैं इस कैसे करती हूँ इसको, देखिए मैं इनको पहले नंबर दे देती हूँ, ए बी हो गया, ये सी हो गया, देखिए ए बी सी आपका डेस्टेड टेस्ट था, तो एबीसी आपका क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ऐसे, देखिए समकोण त्रिभुज बन रहा है, देखिए त्रिभुज एबीसी में देखते हैं समकोण त्रिभुज है ये हमारा, समकोण त्रिभुज में देखिए ये तो हमें क्या दे रखी है, तो एच ऊंचाई हो गई, और ये हमारी आर हो गई, शंकु की त्रिज्या आर हो गई है, तो देखिए आप इसमें क्या निकालेंगे, सबसे पहले साइन थीटा निकालेंगे, साइन थीटा की वैल्यू आई क्या आती है, लंब बटा कर्ण, थीटा के सामने क्या हुआ लंब, लंब का मतलब आर, और कर्ण के दे रखा है आपको एल, तो आर की वैल्यू आपको निकालनी है, और थीटा की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, sin 60 दे रखा है आपको यहाँ पे, sin 60 डिग्री इक्वल्स टू आर अपॉन एल, तो आर इक्वल्स टू आपके पास आएगा √3/2l, ये आपके पास, अभी आपको h की वैल्यू भी निकालनी है l के ही पदों में, तो आप cos 60 की वैल्यू निकालेंगे, cos 60 का मतलब क्या हुआ आधार बटा l, तो आधार आपका h है, त्रिज्या ऊंचाई h है, तो देखिए इससे आप h की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपके पास क्या आएगी, ये आपके पास आएगी 1/2 और l, क्योंकि cos 60 के मान 1/2 ही तो होता है। देखिए अब आपको देखिए शंकु का आयतन क्या दे रखा है, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² h, ये होता है हमारा, तो r और h की वैल्यू आप यहाँ से रख दीजिए जो हमने निकाली है, देखिए r और h की वैल्यू हमने निकाली है यहाँ से रखिए आप, तो v इक्वल्स टू क्या है आपके पास 1/3 π, ऐसे कैसे, r का मतलब क्या हुआ 3/4 l². इसके बाद मैं लिखती हूँ h की वैल्यू क्या है आपके पास 1/2 l, तो मैंने ये क्या वैल्यू लिख दी है। उसके बाद देखिए देखिए इसको जब सोल्व करते हैं आपके पास ये आता है, अब आप इसका टी के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, इसका टी के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो dv अपॉन dt आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 1/8 π, ये तो कांस्टेंट है, इसका करेंगे आप 3l² और dl अपॉन dt। अब क्वेश्चन में देखिए आपको dl अपॉन dt की वैल्यू तो निकालनी है ये वाली टर्म, तो इस टर्म को इस साइड रखिए और बाकी सब टर्म देखिए, और dy अपॉन dt की वैल्यू तो आपको क्वेश्चन में दे ही रखी है dv अपॉन dt की, तो माइनस का 4 cm³/s दे रखा है आपको, और ये सारी वैल्यूज आप उधर रखिए, एल की वैल्यू भी आपको दे रखी है क्वेश्चन में 4 cm, क्वेश्चन में आपको दे रखी है 4 cm, और इसकी वैल्यू दे रखी है माइनस का 4 cm dv अपॉन dt की,
डी टी की वैल्यू रखिए माइनस का 4 सेंटीमीटर, तो इससे आप निकालेंगे डी एल अपॉन डी टी, आपका होमवर्क है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।